हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम क्रमवीर यादव सर, फिजिक्स फैकल्टी। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर टुडे लेक्चर वी स्टार्ट आवर न्यू यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और वी कैन से दैट सेमीकंडक्टर। बेटी, सेमीकंडक्टर जो आपका यूनिट है, ये 7 मार्क्स का यूनिट है, और मतलब बिल्कुल छोटा सा यूनिट है। ठीक है, पहले यूनिट काफी लार्ज था। इसके कुछ पार्ट्स को सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया है, एसबीएसई में तो है, सीबीएसई ने इसको डिडक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि ये यूनिट जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो यूनिट है, काफी इम्पोर्टेंट यूनिट है, और बेटे इसको समझना बहुत ही इजी है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप डेली लाइफ में यूज ले रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिकली जब आप जानेंगे तो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आपके लिए होगा। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर विद आवर न्यू यूनिट, यूनिट 9 सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, या वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है बेटे, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? देखो, पहले आपको बेसिक समझना है भाई। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। जब हमने मटेरियल को क्लासिफाई किया उनके कंडक्टिविटी के बेस पे, तो अपने पास मटेरियल 3 टाइप के बने। एक बना कंडक्टर, एक बना इंसुलेटर, और उन दोनों के बीच में आया सेमीकंडक्टर। सेमी मीन्स दोनों के बीच में। ठीक है बेटे, कंडक्टर में कंडक्टिविटी हाई था, इंसुलेटर में कंडक्टिविटी लो था। अब इन दोनों के बीच में जो कंडीशन फॉलो करेगा वो अपने पास क्या था? सेमीकंडक्टर था। ठीक है, सो डेफिनेशन की बात हम करें तो हम कह सकते हैं दोज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ठीक है, सो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, तो बेटे एक बात और ध्यान रखना, इस यूनिट में जो बच्चा 100% कंसंट्रेशन अपना बोर्ड पे रखेगा ना, उसको सेकंड टाइम रिवाइज करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा। फर्स्ट टाइम में उसको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। चीजों को बस ध्यान से सुनना है, समझना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो बेटे कंप्लीट फोकस बोर्ड पे रखिए, एक एक चीज को ध्यान से सुनिए आप। फर्स्ट टाइम में ही आपको माइंड में कंप्लीट यूनिट सेट हो जाएगी, दोबारा उसको देखना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, सो फर्स्ट आपका है सेमीकंडक्टर। सो वी कैन से दैट दोज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटे, बात तो समझ। बेटे वो सभी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जिनका कंडक्टिविटी लाई करे, इनके बीच में कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, वो सभी क्या होंगे? सेमीकंडक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर प्योर सेमीकंडक्टर। बेटे सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम प्योर सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों एग्जांपल्स हो गए सेमीकंडक्टर के। अब बेटे देखो, अब बेसिक कंसेप्ट की हम बात करें, जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी सॉलिड में, जैसे मान लो अपने पास ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर एक सॉलिड पार्ट है, राइट? अपना जो बोर्ड है ये भी एक सॉलिड पार्ट है। बेटे ये जो मार्कर है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, सॉलिड पार्ट है। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, इनका स्ट्रक्चर रिजिड है। ठीक है बेटे, जब ये क्लोजली पैक्ड हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, और इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की वैल्यू होती है 10^-9 मीटर। बात समझ आ रही है बेटे? किसी भी सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो अप्रोक्सीमेट 10^-9 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, सो इसी के बेस पे अपना नेक्स्ट टॉपिक बनता है एनर्जी बैंड्स।
एनर्जी बैंड्स। बेटे डेफिनेशन को ध्यान से समझना है। द ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल इन ए सॉलिड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। इट इज ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स इन ए सॉलिड। बेटे ध्यान से समझिए, एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेमीकंडक्टर यूनिट का। द ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस होगा एनर्जी लेवल इन ए सॉलिड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। इट इज ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स इन ए सॉलिड। बेटे आप मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है कोई भी। अब इसके अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड का प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इन मॉलिक्यूल्स द ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना बेटे, वो इंटरेक्शन होता है, इनका डिस्टेंस होता है 10^-9 मीटर। मीन्स ये सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एक्ट करके रखते हैं। बात समझ आ रही है? यानी कि इनका डिस्टेंस आपको वैसे नजर नहीं आएगा, बट माइक्रो लेवल पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनका डिस्टेंस 1 नैनोमीटर और वी कैन से दैट 10^-9 मीटर होता है। ये जो ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड्स। बात समझ आ रही है? अब बेटे देखो, अपने पास बैंड की हम बात करें तो बैंड अपने पास टू टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। इन्हीं के बेस पे कंप्लीट सेमीकंडक्टर डिपेंड करता है, ठीक है। सो बेटे डेफिनेशन को ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंड्स की, ठीक है। नोट इट डाउन। बेटे देखो, हेडिंग बना लीजिए टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, बेटे एनर्जी बैंड बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। कितने टाइप होते हैं भाई? टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, दो टाइप में एक होता है वैलेंस बैंड और सेकंड होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन, ठीक है बेटे। इसको शॉर्टकट में हम यूज करेंगे बीपी, इसको शॉर्टकट में हम यूज करेंगे सीपी। आप समझ जाना, जहां पे बीपी लिखा हुआ है इट मीन्स वैलेंस बैंड, जहां पे सीपी है इट मीन्स कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी टॉक अबाउट वैलेंस बैंड। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस बैंड? वैलेंस बैंड बेटे ध्यान से समझना है चीजों को, ठीक है। फिर दोनों के लिए डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, डायग्रामेटिकल चीजों को समझेंगे। सो वैलेंस बैंड क्या होगा? द अपर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड, द अपर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। द अपर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। तो बेटे आप ये भी कह सकते हैं, इन दिस बैंड द इलेक्ट्रॉन्स आर not capable of gaining energy
एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट, सो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट. बेटे मीनिंग को समझना ध्यान से. आप देखो, हम ये कह रहे हैं वैलेंस बैंड को हमें डिफाइन करना है. हम कह रहे हैं अपर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. जो सबसे ऊपर का कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल होगा उसको आप नाम देंगे वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड जो है, इन दिस बैंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटे जो आपका वैलेंस बैंड है ना, वो हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होता है. वैलेंस बैंड हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी कैपेबल नहीं कर सकते. ठीक है, नॉट कैपेबल होते हैं. जब इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल फील्ड का कोई इफेक्ट अपने ऊपर नहीं लेंगे तो आप ये कह सकते हैं सो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट. मीन सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ना, उसमें वैलेंस बैंड का कोई योगदान नहीं होगा. मीनिंग समझ में आ रहा है? यानी कि जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो उस करंट में वैलेंस बैंड का कोई रोल नहीं होगा. मीनिंग समझ में आ रहा है? यानी कि जो आपका वैलेंस बैंड है वो हमेशा फिल्ड होता है, तो हमेशा फिल्ड रहेगा, कंप्लीटली फिल्ड. इसमें आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पुट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, अब बेटे डायग्राम से हम और अच्छे से इसको समझेंगे. तो उससे पहले हम सेकंड कर लेते हैं कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड अब ध्यान से समझिए. कंडक्शन बैंड, सो सिंपल वे में आप कह सकते हैं द एनर्जी बैंड जस्ट अबव द एनर्जी बैंड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. इट मे बी पार्शियली पार्शियली फिल्ड और एम्प्टी. ठीक है बेटे, देखो द एनर्जी बैंड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. इट मे बी, यहां पे नोट कर देते, इट मे बी पार्शियली फिल्ड और एम्प्टी. बेटे जो आपका कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड, मान लो ये है वैलेंस बैंड, इस वैलेंस बैंड के जस्ट अबव द बैंड होगा, दैट बैंड इज सेड टू बी कंडक्शन बैंड. जो आपका कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी भी हो सकता है या पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है. ठीक है बेटे, वैलेंस बैंड हमेशा फिल्ड होगा, कंडक्शन बैंड एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है. ठीक है, इट कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक करंट टू द सर्किट. बेटे किसी भी सर्किट में करंट अगर फ्लो कर रहा है तो किसकी वजह से करेगा? कंडक्शन बैंड की वजह से करेगा. अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा. बात समझ आ रही है? अब इन दोनों को डायग्रामेटिकली समझते हैं भाई. ठीक है, तो बेटे ये देखो ध्यान से. सबसे पहले आपने ये एक बैंड बना लिया. ठीक है, कंप्लीटली इसको फिल्ड आपने कर दिया. This band is said to be valence band. Valence band. ठीक है, valence band आपका completely filled है. इस band के just above जो band आपको मिलेगा, that band is said to be conduction band. Conduction band. और बेटे conduction band आपने कैसा दिखा रखा है? Empty. Empty conduction band. नहीं समझ में आ रहा है? The uppermost completely filled energy level is called valence band. The band just above the valence band is called conduction band. बेटे ये आपका हो गया VP.
और ये आपका हो गया सीबी। अब देखो भाई, इन दोनों बैंड के बीच में कुछ गैप नजर आ रहा है, और बेटे इस गैप को हम नाम देते हैं, दिस गैप इज कॉल्ड एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप, ठीक है भाई। और बेटे इसी का दूसरा नाम होता है फोरबिडन जोन। देखो ध्यान से बेटे, एक एक पॉइंट को ध्यान समझना है। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होगा, दैट गैप इज सेड टू बी एनर्जी बैंड गैप, और वी कैन से दैट फोरबिडन जोन। तो डियर स्टूडेंट, अपने पास न्यू टॉपिक बन गया एनर्जी बैंड गैप। नया टॉपिक अपना होगा एनर्जी बैंड गैप, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। बेटे ध्यान समझना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो भी आप डायग्राम को अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, चीजों को रट्टा नहीं पड़ेगा, बना के आप लिख देंगे, ठीक है। बेटे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप आपका होगा ना, दैट गैप इज सेट टू बी एनर्जी बैंड गैप। मीनिंग समझ में आ रहा है? ये जो एनर्जी बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप फॉर सिलिकॉन, बेटे सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखने हैं, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है एनर्जी बैंड गैप फॉर सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटे यहां तक क्लियर, ठीक है। बेटे ये है आपका बेसिक, बेसिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक्सेल में वो प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है। तो चीजों को समझना है, कोई भी पॉइंट समझ में आपको नहीं आता है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, रटना नहीं है गलती से भी, ठीक है। नोट इट डाउन, आप कर रहे हैं इसको और नेक्स्ट टॉपिक। बेटे अब हम क्लासिफाई करेंगे मटेरियल्स को, सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे किसके बेस पे, बैंड थ्योरी के बेस पे, ठीक है भाई। सेकंड यूनिट में हमने मटेरियल को क्लासिफाई किया था किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। सो नाउ हेडिंग बना लीजिए, इंपोर्टेंट कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ठीक है। बेटे इसके बेस पे हम बात करें तो मेटेरियल अपने थ्री टाइप के होंगे, क्लियर। क्लासिफिकेशन हम करेंगे, एक बनेगा इंसुलेटर, दूसरा होगा कंडक्टर, थर्ड वन आपका होगा सेमी कंडक्टर, ठीक है। सो फर्स्ट वन आप हेडिंग बना लीजिए, फर्स्ट वन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं बड़े ध्यान समझिए, दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस। मीनिंग समझ में आ रहा है बेटे, कंडक्शन बैंड होगा एम्प्टी और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में गैप क्या हो जाएगा, लार्ज। क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर है, जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो बेटे इंसुलेटर में आपको पता है इंसुलेटर का कंडक्टिविटी लो होता है, रेजिस्टिविटी हाई होता है, तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा तभी तो वो इंसुलेट करेगा, ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कंडक्शन बैंड इज
empty and there is a large energy gap between conduction band and valence band. Are called insulators. ठीक है भाई बेटे, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में लार्ज एनर्जी गैप होगा. ठीक है, देखो भाई, दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी. कंडक्शन बैंड क्या होगा? एम्प्टी. एंड there is a large energy gap between conduction band and valence band are called insulator. For example, rubber, plastic, wood. बेटे सारे क्या है? ये सभी आपके होंगे insulators. ठीक है, diagram देख लो भाई, इसका तो diagram आप बनाएंगे. बेटे जो अपना वैलेंस बैंड है ना, ये हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होगा. ये अपने माइंड में परमानेंटली सेट कर लो. डेफिनेशन में भी आप कह चुके हैं कि वैलेंस बैंड जो होगा ये आपका होगा वीबी, ये होगा सीबी, और सीबी क्या है? एमबी. ठीक है, और ये जो इनका एनर्जी गैप होगा वो अप्रोक्सीमेट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लार्ज होगा. ठीक है, डेफिनेटली लार्ज. क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है? अपना जो कंडक्शन बैंड होगा क्या होगा? एम्प्टी होगा. मीनिंग क्लियर? दिस फॉर इंसुलेटर. मीनिंग क्लियर? सेकंड बेटे, इंसुलेटर के बाद अब हम बात करते हैं सेकंड, कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में क्या होगा? कंडक्टिविटी हाई होगा. कंडक्टिविटी हाई होगा तो ये अपने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कंडक्शन बैंड, सीबी मीन्स कंडक्शन बैंड, बेटे ध्यान रखना, द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर. बेटे देखो, वो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें आपका कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप करे. क्या करे? ओवरलैप करे. ठीक है, फॉर एग्जांपल, ऑल मेटल्स, जो भी मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो बेटे डायग्राम आपका ये होगा, ये देखो दो डायग्राम बना लेते हैं भाई. मान लो ये आपके पास है कंडक्शन बैंड. अब ये जो आपका कंडक्शन बैंड है, दिस कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड. कैसे भाई? दिस कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, सीबी पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड. ठीक है, अब आपका जो मेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इसमें में बनेगा. समझना बेटे ध्यान से. बेटे ये हो गया आपका वीबी, ये आपका हो गया सीबी. वीबी तो आपका कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, और ये जो आपका सीबी था ये क्या है? पार्शियली ओवरलैपिंग. तो बेटे इन दोनों के बीच में ये क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग है तो एनर्जी गैप होगा ही नहीं. मीनिंग समझ में आ रहा है ना? जब आपके बीबी और सीबी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो इनके बीच में किस
किसी भी टाइप का कोई एनर्जी गैप क्रिएट नहीं होगा। मीनिंग समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। सो बेटे अब हम बात करेंगे किसके, सेमी कंडक्टर, ठीक है। देखो अब बेटे आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, इंसुलेटर में एनर्जी गैप लार्ज है, कंडक्टर में एनर्जी गैप है ही नहीं, तो सेमी कंडक्टर तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो एक में गैप है नहीं, दूसरे में गैप लार्ज है, तो सेमी कंडक्टर में गैप क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर थ्री पे आपके पास बनेगा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर तो वी कैन से दैट दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड देयर इज ए स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन सीबी एंड बी, ठीक है बेटे। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी रहे और देयर इज अ स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन सीबी एंड बीबी, दोनों के बीच का गैप क्या हो जाए, लेस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बेटे सिलिकॉन जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर में हम इनको काउंट करते हैं, तो डायग्राम इसका क्या बनेगा देखो भाई, बेटे ये हो गया आपका वीपी। वीपी हमेशा क्या रहेगा भाई, कंप्लीटली फिल्ड रहेगा हमेशा, ठीक है कंप्लीटली फिल्ड। ये आपका हो गया सीबी जो कि क्या है एमपी, और बेटे इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी गैप होगा वो वेरी स्मॉल होगा, एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉल, मीनिंग आ रहा है समझ में। तो बेटे ये हो गया सेमी कंडक्टर, ठीक है मीनिंग क्लियर, नोट इट डाउन बेटे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कीजिए, ना कि रटना है आपको, ठीक है। ध्यान से करना है भाई समझ के चीजों को, तो बेटे अब हम बात करते हैं कि भाई मेन आपको स्टडी करना है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, देखें बेटे हेडिंग बना लो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। देखो भाई टेम्परेचर का इफेक्ट आपको चेक करना है किस पे, सेमीकंडक्टर पे। तो बेटे दो कंडीशन रखो आप, फर्स्ट कंडीशन एट 0 केल्विन, बेटे 0 केल्विन मीन्स आपने यहां पे कोई टेम्परेचर ही नहीं दिया, 0 केल्विन टेम्परेचर रखा तो वीपी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वीपी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो वीपी का कोई इलेक्ट्रॉन सीबी में नहीं जाएगा, सीबी में जब तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगा, सही बात है ना। तो आप ये कह सकते हैं एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन नो इलेक्ट्रॉन ऑफ वीपी गोज टू सीबी हैंस सेमीकंडक्टर एक्ट एज इंसुलेटर एट 0 केल्विन,
बेटे जीरो केल्विन पे वीपी का कोई भी इलेक्ट्रॉन सीपी में नहीं जाएगा, सीपी में नहीं जाएगा तो आपका जो सेमीकंडक्टर है वो किसके तरह बिहेव करेगा, एज ए इंसुलेटर। ठीक है, अब बात करते हैं रूम टेम्परेचर। सेकंड कंडीशन एट रूम टेम्परेचर, बेटे देखो जैसे आप इसमें रूम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे इन इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा और एक्स्ट्रा एनर्जी मिलके ये इलेक्ट्रॉन बीपी से किसमें शिफ्ट कर जाएंगे, सीबी में। देखो ऐसे होगा प्रोसेस, ये है आपके पास सीबी, ये है आपके पास बीपी। अब बेटे जैसे ही आपने इस पे टेम्परेचर अप्लाई किया इन इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट कर जाएगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, इस पॉइंट पे ध्यान देना, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बीपी से सीबी में जाएगा तो बेटे वो वहां पे क्या छोड़ जाएगा, एक होल क्रिएट कर जाएगा। देखो जैसे आप केमिस्ट्री में देखते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। अब सोडियम पे एक पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके क्या हो जाते हैं, 11 से कितने हो जाते हैं, 10। तो सेम कंडीशन यहाँ पे, जब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो भाई स्पेस तो खाली होगा, जगह तो खाली होगी, तो यहाँ पे जो खाली जगह होगी उसको बोला जाएगा होल। क्या बोला जाएगा, होल। तो बेटे ये तो है ना, इसको क्या बोला जाता है, होल। ठीक है, यानी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बीपी से सीबी में जाएगा तो क्या क्रिएट करेगा, लिव बिहाइंड होल। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड jump to conduction band, jump to conduction band and leave behind hole, leave behind hole, hence at room temperature, hence at room temperature the semiconductor एक्ट एज सेमीकंडक्टर, किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, कंडक्टर की, एक्ट एज कंडक्टर। बेटे आया नहीं समझ में, जीरो केल्विन पे सेमीकंडक्टर काम करेगा इंसुलेटर का, रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर क्या बन जाएगा, कंडक्टर। इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, माइंड में रखना है। ठीक है बेटे, क्लियर यहां तक, नोट इट डाउन, क्लियर।